मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी हमारे दिल्ली ओलंपिक गेम्स हुए दिल्ली में, तो जो प्रदर्शन था लड़कों का और लड़कियों का मिला करके, उसमें बेटर जो है आया वो लड़कियों का आया। लड़कियों ने जो परफॉर्मेंस दी, लड़के 10% भी नहीं सामने टिक पाए उसको, चाहे वो काता इवेंट हो चाहे वो कुमिते इवेंट हो। मैं कराटे की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी तक एशियन गेम्स में कराटे के 8 मेडल आ चुके हैं, इसमें से 6 मेडल सिर्फ गर्ल्स ले गए, एक बहुत बड़ी बात है कराटे फैटिलिटी के लिए, और 2 मेडल केवल जो है वो लड़के ले के आ पाए। तो मैं चाहूँगा लड़कियाँ तो मेहनत करती ही रहें, लड़के भी मेहनत करें। टूर्नामेंट्स लगभग हमने देखा है बहुत करवाए जाते हैं, बट द रॉयल चैलेंजेस का सच में एक रॉयल चैम्पियनशिप है, जिसमें पूरे वो बच्चों को फैसिलिटीज़, वो स्टेज मिलता है जहाँ पे वो रियल नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए प्रैक्टिस कर पाते हैं, और उसके लिए तैयारी जो होती है वो इन चैम्पियनशिप्स में होती है। और रॉयल चैलेंजेस का वन ऑफ द बेस्ट चैम्पियनशिप ऑफ इंडिया एज अ ओपन चैम्पियनशिप। मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोगों को एक सीख लेनी चाहिए शिहान अमित गुप्ता से, उनकी टीम से और रॉयल चैलेंजेस कप से, कि कम से कम आप अगर टूर्नामेंट कराते हो तो आपको इस लेवल का कराना चाहिए कि आपको लगे, बच्चों को लगे, बच्चों के कोचिज को लगे कि नेशनल चैम्पियनशिप किस तरीके से होती है। सबसे पहली भूमिका होती है पेरेंट्स, पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए कोच ढूंढते हैं, उसके बाद कोच ही उसके पेरेंट्स होते हैं। जो एक ग्राउंड लेवल पे सिखाया जाता है वो कोचिज सिखाते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, कोचिज अपने बच्चे को खेलना सिखाते हैं। तो हम पेरेंट्स को और कोचिज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ना उनके बारे में बता सकते कि उनकी क्या भूमिका होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना सपोर्ट अब के पेरेंट्स कर रहे हैं, जितनी उनमें अब लगन है अपने बच्चों को सिखाने की, हमारे टाइम पे वो नहीं होती थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स जितना सपोर्ट उन्हें कर रहे हैं, उनकी फ़ाइट शाम को होती है, वो सुबह आके बैठ जाते हैं कि हमारे बच्चे की फ़ाइट आज शाम को। तो हेड्स ऑफ टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द कोचिज जो इस लेवल तक बच्चों को आगे बढ़ा। थैंक यू। देखिए पहले भी कराटे होते थे, अब भी होता है, लेकिन जो बदलाव आया है कराटे की फील्ड में, वो जब से हमारे हंसी भरत शर्मा जी ने कमान संभाली है, तो उन्होंने इस तरीके से खिलाड़ियों की ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्तर पर से बाहर से कोचेस को बुलाकर हर टूर्नामेंट के अंदर एक नई जान डाल दी है। क्योंकि जो प्रतिभाएं हमने बाहर देखी हैं, जब तक हम लोग उनसे वो विद्या ग्रास्प नहीं करेंगे, हम आगे नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो वो टेक्निक्स, वो प्लेयर्स जो पहले भारत बहुत पीछे था, आज की डेट में भारत 180 नंबर से उठकर 80 नंबर पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एशियन चैम्पियनशिप्स में भी, हमारे डिफेंस डर्म स्टूडेंट है कार्तिक वर्मा, जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो ये यहीं की ही प्रतिभाएँ हैं, और जहाँ तक आप देखेंगे द रॉयल चैलेंजर्स कप ने पहले भी देश को अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, और आगे भी हम लोग अच्छे प्लेयर्स देंगे। सबसे पहले तो गर्ल्स आर माई फर्स्ट चॉइस, बिकॉज दीज गर्ल्स आर वेरी डेडिकेटेड रादर देन बॉयज। बॉयज़ के पास बहुत काम होता है, लेकिन लड़कियाँ शुरू से ही डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। मेरी इनको शुभकामनाएं कि आने वाले टाइम में ये और अच्छा करें और हमारे देश का नाम रोशन करें।